अदिति, आपके बैग में ये परफ्यूम कैसे? ये आपका तो नहीं लगता है। किसी औरत का लगता है। किसका है ये? ये तो सौम्या का परफ्यूम है। ये मेरे बैग में कहां से आ गया? अरे जी, किसका है ये? वो अम्मा का है। अम्मा का ये परफ्यूम आप अम्मा के लिए लेकर आए हैं परफ्यूम? हाँ मंगल, अम्मा को परफ्यूम्स बहुत पसंद है इसलिए। रति जी, ये तो किसी का इस्तेमाल किया हो लगता है, नया नहीं है। देखिए ना, बोतल आदि खाली है। यार ये कितने सवाल पूछने लगी है। बताइए ना दीदी, किसका है? अब वो शायद बोतल मैंने बैग में रखी थी, शायद लीक हो गया। वो चेक करने के बाद ठीक से कैप नहीं लगाया होगा मैंने। जाकर अम्मा को दे देता हूँ। ऑफिस से इतने मैसेजेस और कॉल आ रहे, एक इंपॉर्टेंट कॉल पर जाना है मुझे। कहाँ तुमने मुझे बातों में फंसा दिया यार। ओह नो, मैं भी कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। मंगल भाभी के इतने फोन आके गए, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी बात उनसे वीडियो कॉल पे करा दूँ। और देखो, तुम भी बात करने के लिए बेचैन हो रही हो। I'm so sorry, मैं भूल गया। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? जी आपने क्या किया? इतने मुश्किल से मैंने लिखा था, अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि जी जो दीदी को डिवोर्स दे रहे हैं? हे माता रानी, मेरी दीदी को अंधेरे में मत रखो। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप मेरी दीदी जैसी श्रद्धालु के साथ धोखा मत होने दीजिए। हाय मंगल भाभी, लीजिए बात करिए अपनी बहन से। और हाँ लक्ष्मी, प्लीज मेरी सूप की बुराई मत करना, मैं बता रहा हूँ। कमाल जी, आपने लक्ष्मी के लिए सूप बनाया है इतने प्यार से, तो ये तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सूप होगा, सबसे सेहतमंद। लक्ष्मी, तेरे पति तो तुझे दो दिन में ही ठीक करके मानेंगे। वैसे अभी तो बेहतर लग रही है। लक्ष्मी, तुझे पता है आज ना मैं मंदिर गई थी, तेरी सेहत के लिए ढेर सारी प्रार्थना की, और तू देखना तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं, वो पेन गिर गया था ना बस। लक्षु, मैं तुझे यही कह रही थी कि तू ना अपने मन को शांत कर, आराम कर। और वैसे भी तू तो हमारी बहादुर लक्ष्मी है ना। नहीं 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 भाभी, बहादुर लक्ष्मी बाई है ये। बिल्कुल सही कहा कार्तिक। चल लक्षु, अपनी दीदी के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिखा। चलना मुस्कुराना। अरे नहीं रुकिए भाभी, आप दोनों की प्यार वाली बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी, और इस चक्कर में हमारी महालक्ष्मी का सूप ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसे सूप पिला देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो बाद में बात कर लूंगी, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, ये क्या? देखो लक्ष्मी, तुम मेरे हाथ का सूप फटाफट पी लो, जिसकी वजह से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और फिर उतनी जल्दी हम मंगल भाभी से मिलने जा पाएंगे। दीदी को पता ही नहीं है कि जीजू क्या करने जा रहे हैं। अम्मा, मुझे लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही है, उसकी हालत देखी नहीं जा रही। वैसे तो दमाजी बहुत ख्याल रख रहे हैं उसका,
लेकिन उसका ये बुझा सा चेहरा, इशारों में बातें करना, देखा नहीं जा रहा माँ क्यों हुआ मेरी लक्ष्मी के साथ ऐसा। मंगल, माता रानी पे भरोसा रखो। देखा नहीं, इतने बड़े एक्सीडेंट से माता रानी ने लक्ष्मी को बचा लिया। आप सही कह रही हैं अम्मा, आपकी बातों से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। हम आते हैं। अम्मा, आपको वो परफ्यूम मिला? परफ्यूम? कौन सा परफ्यूम बेटा? अदित जी आपके लिए लाए हैं, दिया नहीं आपको? अच्छा, अदित हमारे लिए परफ्यूम लाया है? अरे वाह, हमें परफ्यूम बहुत पसंद है। शायद टाइम नहीं मिला होगा इसलिए नहीं बताया होगा। हम अभी आते हैं पूछकर। देना कैसे भूल गए? मुझसे तो कह रहे थे कि अभी देता हूँ। पता नहीं आजकल अदित जी को क्या हुआ है। आप मंदिर गए थे? नहीं नहीं, मैं कोई मंदिर नहीं गया था। पर आपने टीका लगाया हुआ है। हो, ये टीका? वो मंगल, मैंने तुम्हें बताया था ना सुबह ऑफिस में नवरात्रों की पूजा चल रही है, तो उसी चक्कर में शायद पंडित जी ने लगा दिया। अदित जी, आपके बैग में ये परफ्यूम कैसे? किसका है ये? वो अम्मा का है। ये माता रानी, जाने क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अदित जी की बातें उनसे मेल नहीं खा रही है, जैसे कि कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। थैंक यू। यार सौम्या, तुमने परफ्यूम की बोतल मेरे बैग में क्यों रख दी? ओ नो आदित, लेकिन तुम्हें पता है इस सब में ना तुम्हारी गलती है। तुमने वहां पे इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने वो परफ्यूम तुम्हारे बैग में ही रख दी। आई एम रियली सॉरी। छोड़ो अब, मैंने हैंडल कर लिया है। थैंकफुली मंगल को जल्दी मुझ पर शक नहीं होता। जरा सी भी समझदारी होती ना उस मंगल में तो हमें कब का पकड़ लिया होता। But she's really such a dumb woman. अच्छा एनीवे, मुझे ये बताओ, तुमने मेरे लिए रिंग ले ली? रिंग ले लिया मैंने, और अभी मेरे हाथ में है। And trust me, you will love it. It's beautiful. Wow, Adit, I love you. अच्छा अभी मैं रखता हूँ, किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो बाय। हेलो सौम्या, मैंने कहा ना अभी बात नहीं कर सकता। बहुत चहक रहे हो, वेरी गुड। कौन? तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। अपना मैसेज देखो। हेलो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। क्या बकवास कर, दिमाग खराब हो गया क्या? कर दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे और सौम्या के अफेयर का पुख्ता सबूत सबके सामने लाने पे मजबूर हो जाऊंगा। और इस बकवास को अगर रोकना चाहते हो तो 10 लाख मुझे दे दो। हेलो हेलो, मुझे लगा ही था जैसे किसी ने हमारी फोटो खींची है। क्या कहा, इस ब्लैकमेलर से कैसे बचूं? पापा, मेरी बस आने वाली है, फॉर्म में साइन कर दीजिए। एक मिनट बेटा। पापा, इशाना इधर दो। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, ये देखो क्या है, सॉलिटेयर रिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग। साहब खेल खत्म। अरे ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, हीरे की है, कहाँ से मिली? पापा के पास थी, देखिए बॉक्स। अदित जी के पास हीरे की अंगूठी, ये किसके लिए होगी? अदित ने जरूर मंगल के लिए ली होगी, आजकल बहुत सोचता है उसके लिए। मंगल, ये अंगूठी तुम्हारे लिए होगी, है ना अदित बेटा? हाँ माँ, मंगल के लिए ही है। वो क्या है ना, एनिवर्सरी पर मैंने मंगल को कुछ दिया नहीं था इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आज ही आया है बस अभी अभी। आदित, हमने सुना कि तुम हमारे लिए भी परफ्यूम लाए हो,
ऐसा लगता है कि आज का तुम्हारा दिन सबके लिए तोहफा देने का है ना? हाँ माँ, बस आपको देने ही वाला था, पर तब तक मंगल ने बैग से निकाली बॉटल, इसलिए। मंगल, रिंग कैसी लगी? सच में मेरे लिए? मंगल, आदित्य कह तो रहा है तुम्हारे लिए ली है, बताओ आई पसंद? हाँ, वो सरप्राइज देना चाहता था लेकिन बच्चों ने देख लिया। तो पापा पहनाओ ना मम्मा को जल्दी। हाँ पापा पहनाइए, है हम फोटो लेंगे। पापा जल्दी करिए ना, हमारी बस निकल जाएगी। अरे यार, इतनी महंगी रिंग मैंने सौम्या के लिए ली थी, अब इसको पहना, अगर इसकी उंगली में फंस गया तो। गॉड यार, आज हर जगह मेरा फंसना ही क्यों हो रहा है? एक वो ब्लैकमेलर पता नहीं कहाँ से आ गया, डर लग रहा है कि वो क्या करे, और यहाँ मंगल वैसे भी शक कर रही है, कहीं पकड़ ही ना ले मेरा झूठ। पापा थोड़ा पास आओ। अच्छा। अगर फिट नहीं है तो बवाल हो जाएगा घर में। पहनाओ पहनाओ, लाओ। अरे ये तो आ गई, कमाल हो गया। आदित्य तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अरे बेटा तुमने मंगल के लिए खरीदी है तो मंगल को आएगी ही ना? हाँ माँ, वो क्या है ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, तो मुझे लगा शायद साइज में 19-20 हो जाए। कमाल है ना, 19 ना 20, कितनी अच्छे से मंगल की उंगली में आ गई हो, जैसे उसी के लिए बनाई। गई भैंस पानी में, अब सौम्या से क्या कहूंगा। बस आ गई, जल्दी करो पापा साइन कर दीजिए। चलो बच्चों मैं छोड़ देती हूँ। अंकल रुको, आज हम छोड़ देंगे। माता रानी तेरी कृपा अपरंपार है, अदित बहुत बदल गया है। अदित जी ने इतनी महंगी अंगूठी मेरे लिए क्यों ली? मंगल आप ये रिंग वापस दे दो मुझे। अदित ऐसा कौन करता है बेटा, एक बार अंगूठी पहनाकर उतरवाने के लिए कौन कहता है? असल में अम्मा मैं रिंग पर ना एनिवर्सरी की डेट लिखवाना चाहता था, सोचा था मंगल को अच्छे से पैक करके सरप्राइज दूंगा, पर बच्चों ने देख लिया और पूरा सरप्राइज ही खराब कर दिया, सोचा थोड़ा अलग लगेगा स्पेशल। आदित ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा। मंगल अंगूठी उतार के आदित को दे दो, वो तुम्हारी एनिवर्सरी की डेट लिखवा देगा। लीजिए। क्या हुआ बेटा? अम्मा निकल नहीं रही है, फंस गई है शायद। देखा आदित, तुम्हारी अंगूठी मंगल के उंगली से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, लगता है तुमने बहुत प्यार से मंगवाई है मंगल के लिए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। इधर लाओ। लग गई क्या? सॉरी मैं तेल लगा लेती हूँ, उसकी चिकनाई से आराम से निकल जाएगी। हाँ बेटा। मैं इस पर डेट लिखवा कर तुम्हें दे दूंगा। अदित बेटा याद है ना कल दशहरा है, तुम्हारी ऑफिस में तो छुट्टी होगी ना, देखो बेटा कोई मीटिंग मत रख लेना कल के दिन। हम सब साथ में रावण दहन देखने जाएंगे, याद है ना? अदित हम कुछ कह रहे हैं। हाँ माँ, याद क्यों नहीं रहेगा, हर साल की तरह साथ में ही जाएंगे रावण दहन देखने। अच्छा मां चलता हूं, ऑफिस में काफी काम है आज। हाँ बेटा।
मंगल, हम जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी को देखने जाना है, कल दशहरा है और हमें दान देने के लिए 11 साड़ियाँ चाहिए। बेटा एक काम करो, पहले बाजार से साड़ियाँ खरीद लाओ, फिर लक्ष्मी से मिलने चले जाना। अभी हम लक्ष्मी को मिलाते हैं, वैसे भी हॉस्पिटल से आने के बाद हम उसे मिले ही नहीं है, देखा ही नहीं है उसे। ठीक है अम्मा, मैं बाजार से उसके घर चले जाऊंगी और मिलाऊंगी। लगता है लक्ष्मी हमें यहाँ देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई, सोच रही होगी कि उसकी मंगल दीदी क्यों नहीं आई। लक्ष्मी, बेटा मंगल आ जाएगी, वो बाजार गई है। वो क्या है ना कि कल दशहरा है ना, तो दान के लिए 11 साड़ियां लानी थी, वही लेने के लिए हमने उसे भेजा है। देखना लक्ष्मी, राम जी की कृपा से बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। कल दशहरा है, हम साथ में दशहरा मनाएंगे, रावण दहन भी तो देखना है ना साथ में। जल्दी से ठीक हो जाना बेटा। महालक्ष्मी, are you happy now? क्या बात है मौसी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब देखिएगा मौसी जी, कैसे हमारी महालक्ष्मी अपनी दीदी के साथ दशहरा मनाने के लिए एकदम से ठीक हो जाएगी। मैं बस दीदी को किसी भी तरह जीजू की असलियत बताना चाहती हूँ। लक्ष्मी स्माइल करो बेटा, इतनी अच्छी न्यूज है। जितना पॉजिटिव रहोगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाओगी। तो वैसे भी मेरा बेटा जिस तरह से तुम्हारा ख्याल रख रहा है, अब तक तो तुम्हें उठ के चलना फिरना चाहिए था, पर लगता है तुम मेरे बेटे से कुछ ज्यादा सेवा करवाना चाहती हो, इसलिए इतना टाइम ले रही हो। देख लेना लक्ष्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसकी बहन ने तो मन्नत मुरादों की जड़ियां जो लगा दी है। अरे हाँ, बातों बातों में तो हम भूल ही गए। कार्तिक बेटा, हमें तुमसे एक जरूरी काम था। आप बोलिए ना मौसी जी। बेटा, ईशाना की स्कूल में कल एक प्रतियोगिता होने जा रही है, उसको कविता या गाना लिखना है। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तब हमसे कहने लगी कि आप कार्तिक चाचू के यहाँ जा रहे हैं, तो उनसे पूछना कि उनके पास कोई कविता या गाना है जो उसे काम में आ सके। है बेटा? बिल्कुल मौसी जी है, दिन रात गाने सोचता और लिखता तो रहता हूँ। मैं काम करता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे गाने ईशाना के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखा चाचू हो तो कार्तिक जैसा, बच्चों को तुरंत खुश कर देता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। बिल्कुल, रखिए मैं लेके आता हूँ। थका हुआ है वो जी जी, नींद ही पूरी नहीं होती उसकी। जब देखो तब बस लक्ष्मी की फिक्र में रहता है, यहाँ वहाँ भागता फिरता है। लक्ष्मी, क्या हो रहा है? रुको हम पानी पिलाते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, are you okay? देखो तुम्हें ऐसे जगना नहीं चाहिए, तुम रेस्ट करो, तुम ऐसे जल्दी ठीक हो पाओगी। हाँ बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम करोगी तभी जल्दी ठीक हो पाओगी। चलो गायत्री, हम भी चलते हैं। मौसी जी, ये मेरे कुछ गाने हैं, इसमें से ईशाना को जो अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर लेगी, ये लीजिए। हाँ हाँ बेटा, अच्छा गायत्री अब हम चलते हैं। जी, कहीं कुसुम आंटी ने डिवोर्स पेपर्स देखकर अपने पास रख लिए और पिछली बार की तरह दीदी को नहीं बताया, ये सोचकर कि वो संभाल लेंगी, तो दीदी को तो पता ही नहीं चलेगा कि जीजू उनको डिवोर्स देने वाले हैं। जीजू का सर्च उन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। जल्दी से साड़ी और बाकी सामान लेकर लक्ष्मी के पास निकल जाऊंगी,
वो इंतजार कर रही होगी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक वैसे है जैसे मुझे चाहिए था। अब आपको ना सिर्फ मेरा एक काम करना है, मेरे मंगेतर यहाँ आएंगे उनके लिए भी एक कस्टमाइज्ड स्टोल बनाना है, उनका माप ले लेना। हाँ श्योर मैम। हाँ जी मैम, क्या चाहिए? भैया सिल्क की साड़ी दिखा दीजिए, पीले और नारंगी रंग में दिखा दीजिए। आइए, पसंद आई आपको? हाँ, इट्स परफेक्ट। इसे पैक कर दीजिए लहंगे के साथ। What the hell? दिखाई नहीं देता क्या? इतना एक्सपेंसिव दुपट्टा है, फट जाता तो। सौम्या जी आप? Damn it मंगल, चुंबक की तरह तुम यहां भी आ गई।